डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू लेसन नंबर 11, द ओल्ड काकी। देर वॉज एन ओल्ड लेडी कॉल काकी। शी क्रैप्ड हर हैंड्स एंड फीट वर वेरी वीक। एक बूढ़ी स्त्री थी जिसे काकी कहते थे। वह रेंग कर चलती थी, घिसट कर, कि उसके हाथ और पैर बहुत कमजोर थे। हर हस्बैंड हैड डाइड लॉन्ग एगो। सी लिव्ड हर नेफ्यू बुद्धिराम। सी हैड ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू हिम। रूपा वाज बुद्धिराम्स वाइफ। बुद्धिराम हैड टू सन्स एंड ए डॉटर लाडली। उसके पति बहुत पहले मर गए थे। उसकी वह अपने भतीजे बुद्धिराम के साथ रहती थी। वह उसने अपनी सारी संपत्ति बुद्धिराम को ट्रांसफ़र कर दी थी, दे दी थी। और रूपा उसकी पत्नी, बुद्धिराम की पत्नी थी। बुद्धिराम के दो पुत्र और एक बेटी लाडली थी। बॉयज़ नेवर बिहेव्ड प्रॉपर्ली विद काकी। लड़के काकी के साथ उचित रूप से व्यवहार नहीं करते थे। दे यूज टू टीज हर लॉट। वह उसे बहुत परेशान करते थे। काकी वुड क्राई आउट बट नो वन लिसन टू हर। काकी चिल्लाती रही परंतु कोई भी उसकी बात नहीं सुनता था। लाडली वॉज दी ओनली वन हु हैड सिंपैथी फॉर काकी। लाडली केवल अकेली थी जो काकी के प्रति सहानुभूति रखती थी। इट वॉज एन इवनिंग शहनाई वॉज बींग प्लेड एट बुद्धिराम्स डोर स्टॉप। शाम का समय था। बुद्धिराम के दरवाजे पर शहनाई बज रही थी। इट वॉज हिज ओल्ड एल्डर सन्स एंगेजमेंट सेलिब्रेशन पर गोइंग ऑन। उसके बड़े पुत्र की सगाई थी, समारोह चल रहा था। पूरी वर्किंग फ्राइड इन कढ़ाई, कढ़ाई में पूरियाँ तली जा रही थी। स्वीट स्मेल ऑफ घी स्पाइसेस बार मसाले और घी की खुशबू हवा में थी। काकी वाज सिटिंग इन हर रूम एंड इट वाज डार्क इनसाइड। काकी अपने कमरे में बैठी थी और अंधेरा था। सी कुड स्मेल दी क्रिस्पी एंड सिजलिंग पूरी उसे खस्ता और पूड़ियों की खुशबू आ रही थी। इमेजेस ऑफ पूरीज फ्लोटेड बिफोर हर आइज। पूड़ियों के चित्र उसकी आंखों के सामने तैर रहा था। सी बिगेन टू मूव स्लोली एंड क्रैप्ट क्लोज टू कड़ाई। वह धीरे धीरे वहाँ से घसीटी किसकिटी और कड़ाई के पास पहुँची। वैन रूपा सौ काकी सिटिंग क्लोज टू द कड़ाई। जब रूपा ने कड़ाई के पास काकी को बैठे देखा, सी लॉस्ट हर टेम्पर। उससे गुस्सा गया एंड शुक काकी विद हर बोथ हर हैंड्स एंड शाउटेड एब्यूज। उसने दोनों हाथों से झटका झटक करके चिल्ला कर गालियाँ दी और वहाँ से हटा दिया। ओल्ड काकी डिड नॉट स्पीक ए सिंगल वर्ड। बूढ़ी काकी ने कोई एक शब्द नहीं कहा। सी रिटर्न्ड हर रूम। वह अपने कमरे में चले गई। सी फेल्ट इंसल्टेड। उसे अपमानित महसूस हुआ। दी डिनर वाज रेडी। भोजन तैयार था। ऑल गेस्ट हैड स्टार्टेड ईटिंग। सभी मेहमान खाना शुरू किया। मेहमानों ने काकी इन हर रूम थॉट नॉट टू गो अंटिल सी वाज कॉल्ड। काकी ने जब तक जाने का विचार नहीं किया जब तक उसे बुलाया ना जाए। सी प्लीजेंट स्मेल ऑफ फूड वाज टेम्प्टिंग। उसके खुशबूदार खाने के भोजन की सुगंध ललचा रही थी। बट नो वन केम टू कॉल हर। लेकिन कोई फॉर डिनर उसके भोजन के लिए बुलाने नहीं आया। थिंकिंग सी इज नॉट ए गेस्ट सी दैट शी शुड वेट फॉर द कॉल। उसने सोचा कि वह मेहमान नहीं है, इसलिए थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए बुलावे का। शी रेडी टू गो हाउस। उसने अंदर जाने का निर्णय लिया। सी क्रैप इन टू द कोर्ट यार्ड बट वह बरामदे में बाहर के लिए रैंकर गई
बट बैड लक, परंतु दुर्भाग्य से वन ऑफ द गेस्ट सॉ हर एंड शाउटेड, एक मेहमान ने उसे देख लिया और चिल्लाया, हु इज दिस लेडी ओल्ड वूमेन, यह बूढ़ी औरत कौन है, वेयर है सी कम फ्रॉम, कहाँ से आई, बी केयरफुल, सावधान रहो, सी मे टच संबंध, वह कुछ छू लेगी। पंडित बुद्धिराम बिकेम फ्यूरियस, बुद्धिराम पंडित को गुस्सा आ गया, ही कॉट काकी विद हैंड्स एंड ड्रैग्ड इनटू हर रूम, मैंने उसने काकी को पकड़ा और घसीट करके उसके कमरे में ले गया। सीइंग दिस, ऐसा देखकर लाडली फेल्ट वेरियली बैड, लाडली को बहुत बुरा लगा, सी थॉट, उसने सोचा, वेट इफ काकी हैड ईटन बिफोर द गेस्ट, क्या हो जाता अगर काकी पहले मेहमानों से पहले खाना खा लेती, वुड सी हैव ईटन ऑल द पूरीज, क्या वो सारी पूरी खा जाती। इट वॉज 11 एट नाइट, रात्रि के 11 बजे थे, एवरी वन वॉज स्लीपिंग, सभी सो रहे थे, लाडली हैड नॉट ईटन हर पूरीज, लाडली ने अपनी पूरी नहीं खाई थी अभी तक। सी पुट देम इन हर डॉल्स बास्केट एंड वेंट टू काकीज रूम एंड सेड, वह उसने अपनी पूरी को गुड़िया के टोकरी में रखा और काकी कमरे में गई और कहा, गेट अप काकी, काकी उठो, आई हैव ब्रॉट पूरीज फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए पूरे लाई हूँ। काकी आस्क, काकी ने कहा, हैज़ योर मदर सेंट दीज, क्या तुम्हारी माँ ने भेजा है। लाडली रिप्लाइड, नो इट इज़ माई शेयर, नहीं ये मेरा हिस्सा है। काकी फिनिश्ड ऑल द पूरीज बट शी वाज स्टिल हंग्री, काकी ने सारी पूड़ियाँ खा ली, समाप्त कर ली, परंतु फिर भी भूखी थी। काकी से लाडली, काकी ने लाडली से कहा, चाइल्ड गो टू योर मदर एंड ब्रिंग सम मोर, बच्ची अपनी माँ के पास जाओ और मेरे लिए कुछ पूड़ियाँ और लाओ। लाडली रिप्लाइड, लड़ने कहा, इफ आई वेक अप हर सी विल गेट एंग्री, अगर मैंने उसे जगा दिया तो वह नाराज हो जाएगी। इसके काकी से, टेक मी टू द प्लेस वेयर सी गेट्स, मुझे वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने खाना खाया था। लाडली टुक हर एंड बेड हर सिट एमंग पत्तल्स, लाडली को वहाँ पर ले गई जहाँ पर पत्तलें पड़ी थी, उनके बीच में ले गई। काकी बिगेन टू ईट दी फूड विच वॉज फेल्ट ओवर बाय द गेस्ट लेफ्ट ओवर बाय द गेट, काकी ने उन भोजन को खाना शुरू किया जो मेहमानों द्वारा छोड़ा गया था। जस्ट देन रूपा वोक अप, उस समय जीका जा गई, सी डिड नॉट फाइंड लाडली बिकॉज चाइल्ड हर, उसने लाडली को अपने पास नहीं पाया। सी वेंट आउट इन टू द कोर्ट यार्ड, वह बरामदे में गई एंड से का बाहर एंड सो और देखा लाडली स्टैंडिंग नियर दी पत्तल, लाडली पत्तलों के पास खड़ी हुई है। काकी वाज पिकिंग दी लेफ्ट ओवर फूड एंड ईटिंग, और काकी बचे हुए खाने को उठा उठा कर ले रही है और खा रही है। रूपा वाज सिन, रूपा को बड़ा आश्चर्य चकित हुई, स्तब्ध रह गई। सी फेल्ट सॉरी फॉर काकी, उसे दो बड़ा दुख हुआ काकी के लिए, हु रिमेंड हंग्री इवन ऑन ए डे ऑफ फीस्ट, वह दावत के दिन भी पूरे दिन भूखी रही, वे सो मैनी पील, जबकि इतने सारे मेहमान उस भोजन को खाकर संतुष्ट हुए। काकी बिहेव्ड लाइक दिस जस्ट फॉर सम पीसेस ऑफ पूरीज, काकी ने इन थोड़ी सी पूड़ियों के लिए इस तरह का व्यवहार किया। सी वाज इन ए स्टेट ऑफ शोक, उसे बहुत दुख हुआ, सी हर आइज फिल्ड विद ईयर्स, उसकी आँखें आंसू से भर गईं, इट वॉज ऑलरेडी मिड नाइट, रात्रि थी। रूपा वेंट टू काकी रूम विद फूड, रूपा काकी कमरे में भोजन लेकर गई, विद टीयरफुल आईज सी सेड, उसने आंसू भरी आंखों से कहा, गेट अप काकी, आई कंप्लीटेड ए ब्लंडर, मुझे बहुत बड़ी भूल हुई, बड़ा तुझे आज बाई नॉट सर्विंग यू फूड, क्योंकि मैंने तुम्हें खाना नहीं दिया, प्लीज़ फॉरगिव, मुझे माफ़ करो। हियरिंग दीज वर्ड्स काकी हार्ट मेल्टेड, इन शब्दों को सुनकर काकी का दिल पिघल गया। सी फॉरगिव हर, उसने उसे क्षमा कर दिया, बिगेस्ट ईटिंग और खाना शुरू किया। काकी ब्लेस्ड हर सोफुली, और पूरे मन से उसने उसको आशीर्वाद दिया। That's all.